लड़कों जो है वो ज्यादातर क्या झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं? हम बिजी हैं, तुम सबसे प्यारी हो, ये हो, वो है, बस इस तरह का झूठ बोलते हैं। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो, और दिन मेरा फोन बंद होते ही दूसरे के बोलेंगे नहीं तुम हो ये हो। मुनफरिद, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुहमा आमिर। रुहमा में? रुहमा आमिर। रुहमा आमिर, वाह माशाल्लाह, क्या मतलब है इसका? काइंड, सो काइंड। अच्छा, मुझे बताया कि लड़के जो है वो ज्यादातर क्या झूठ बोलते हैं? लड़के झूठ ही बोलते हैं ज्यादातर या कमतर, वो बोलते झूठ हैं। सही है, आपको लगता है सही लगता होगा, लेकिन ज्यादातर झूठ क्या होता है? ज्यादातर झूठ ये होता है कि यार पढ़ रहा हूँ, बिजी हूँ, जॉब ढूंढनी है, कुछ मैनेज नहीं हो रहा, काम करना है, पैसे कमाने हैं, बस ना बात करने का ना टाइम देने का बहाने। सारे बहाने होते हैं कि पैसे कमाने, जॉब ढूंढ, बिल्कुल बहाने होते हैं। आपको क्या लगता है असल में वो क्या कर रहे होते हैं? वेले सो रहे होते हैं, बैठ तो रहे होते हैं और कुछ नहीं करते। सही बात है। अच्छा, तो ये ज्यादातर झूठ होते होंगे। फिर इन झूठ को जब आप पकड़ लेते हैं या लड़कियां पकड़ लेती है तो फिर क्या बहाना होता है? नहीं, हम जब पकड़ लेते हैं ना तो हम छोड़ देते हैं उनको उनके हाल पे, बस सही है, लगे रहो हाँ, पैसे कमाओ। तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं, ये नहीं मानी, सबसे बड़ा झूठ यही है यार, तुम बहुत प्यारी हो। हाँ, और तुम्हारे अलावा कोई नहीं, तुम्हारे अलावा कोई नहीं, ये भी झूठ, लिस्ट में अनलिमिटेड। तो क्या हाल है इनका? कोई भी नहीं, इंजॉय करें अपनी लाइफ को जैसे मर्जी, एक हो सो हो, मतलब इन्हें सुधारने का कोई हल है नहीं, इनको सुधारा नहीं जा सकता, ये ऐसे ही रहेंगे। हाँ, लड़की भी औलाद कभी नहीं सुधरती। लड़के जो है वो ज्यादातर क्या झूठ बोलते हैं? मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, ये तो दुनिया में बोला जाता है ना वैसे ज्यादातर, लेकिन नॉर्मली तो इस तरह नहीं होता होगा मेरे ख्याल से, ये तो हम लड़कों में कहते हैं ना ज्यादातर, अगर आप लड़कियों के बारे से कहें तो कुछ और भी हो सकता है। हाँ, मैं फैमिली के साथ था, फ्रेंड्स के साथ नहीं था। बात भी ठीक है वैसे, इस तरह झूठ बोला जाता है? नहीं, मैंने आज तक बोला तो नहीं है, लेकिन बोला आपने? नहीं बोला। कब बोला? बोला एक आध बार हो। बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। झूठ नहीं बोलता, जो होता है वो पता होता है, या फिर मैं मतलब पिक्चर वगैरह स्नैप सेंड कर देता हूँ कि देख लें अभी कहाँ पे हूँ, बस ये है वैसे। ये झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? बोलते हैं कभी कभी अगर जरूरत पड़े। कहने का मतलब इनका ये है कि अगर स्नैप नहीं सेंड किए तो झूठ है, अगर कर दिए तो सच है। मतलब कि अगर आपने स्नैप सेंड कर दिया तो फिर सच्चे है ना। अच्छा, एक और बात है, अब क्यों होता है कि लड़के या लड़कियां जो भी है ना वो पहले से स्नैप्स ले लेते हैं या तस्वीरें खींच लेते हैं कि इस ये उस मौके पे भेजूंगा, ऐसे कुछ होता है? नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र आज तक नहीं। इतनी चलाकी नहीं है? नहीं, इतनी नहीं है, ईमानदार है। ये सवाल तो लड़ाई वाला किया वैसे आपने, लेकिन कोई बात नहीं, आप कर ले जितनी कोशिश करनी, इस तरह कुछ होने नहीं होगा। तो आपको ये लगता है कि ज्यादातर झूठ जो है ये है कि होते कहीं और कहते कहीं और? कभी कभी जब जरूरत हो। आप सुधारने के लिए क्या तरीका यूज करते हैं? नाराजगी। नाराजगी से सही हो जाता है? हाँ जी, मनाते हैं खुद ही हो जाता है। तो फिर दोबारा ये गलती नहीं करते? नहीं, अभी ये मना ही रहे हैं ना। बस आपके सामने ही है। इतना महंगा पड़ा है अभी तो बनाना? नहीं, कुछ भी महंगा नहीं है। लड़कों का झूठ होता है कि हम यहाँ थे, कहते हैं कि हम वो वाली जगह थे, पर वहाँ होते नहीं है। क्या होते हैं? मतलब जो बता रहे होते हैं ना अपनी प्लेस, वो गलत बता रहे होते हैं, उनकी कोई और होती है और बता कुछ हो रहे होते हैं। मतलब हमेशा, मतलब ज्यादातर वो लोकेशन अपनी गलत बता। जी हाँ। वो क्या लगता है कि क्या वजह होगी इसकी? मेरा ख्याल है क्योंकि उनसे लेडीज बहुत ज्यादा क्वेश्चन करती हैं, तो वो उससे बचने के लिए ये बार बार क्वेश्चन करेंगी, पूछेंगी, हमारा सर खाएंगी, तो बेहतर है इन्हें ना ही बताओ। इसलिए दोस्तों चिल मार रहे होते हैं, बाहर खाना खा रहे होते हैं, तो वो फिर कहते हैं कि इन्हें क्या डिटेल्स बताएं, तो कहते हैं हम ऑफिस में हैं। लेकिन चिल मारे हो? जी हाँ, चिल मारे। सुधारने का कोई तरीका है? हाँ, इनका जो है ना GPS जो है ना वो ट्रैक करें हर वक्त। ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें और कनेक्ट कर लें, ठीक है, जहाँ जाएँ तो पता लग जाए कि कहाँ पर है, कहाँ पर है आपका जो हस्बैंड है ना, वो कहाँ पे है। क्योंकि आपने ये तरीका यूज़ किया? नहीं, मैं सोच रही हूँ, मुझे करना चाहिए। सोच रही हूँ, करूँगी अनकरीब। आपको ये मुश्किल देखनी पड़ती है झूठ वाली?
नहीं नहीं लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी शक होता है। चले जी जो सी ऐप डाउनलोड करें वो हमारे ऑडियंस को भी बताइएगा ताकि काफी होंगे। बहुत सारी ऐप्स हैं, अब तो बहुत सारी ऐप्स आ गई हैं जो GPS से जैसे हमें गाड़ी का पता चल जाता है ना, ऐसे फ़ोन ट्रैकर्स भी होते हैं ना, मोबाइल फ़ोन के नंबर से ट्रैक हो जाता है। लड़कों जो है वो ज़्यादातर क्या झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोलते हैं? हम बिजी हैं, तुम सबसे प्यारी हो, ये हो वो है, बस इस तरह का झूठ बोलते हैं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो, और दिन मेरा फ़ोन बंद आते ही दूसरे के बोलेंगे नहीं तुम हो ये हो, पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल उन्हें हमें पता हम कितने प्यारे हैं, वो हमें बोलेंगे कि आप इतने प्यारे हैं, सबसे प्यारे, ये हमें पता कि हम कैसे हैं, ये भी तो है ना। बिल्कुल ठीक, तो फिर लड़कों को सुधारने का तरीका सोचा है? सुधरते हैं, सुधरे हम खुद नहीं सुधरते, हम किसी को क्या सुधारेंगे, ये भी तो देखो ना आजकल के दौर में कौन सुधरा हुआ है, कोई भी नहीं, बच्चे भी इतने ख़राब हैं आजकल के। ठीक, तो आपने कभी पकड़ा है उन्हें किसी और से ऐसे फ़ोनों पर? ना मुझे इंटरेस्ट नहीं ऐसी चीज़ों पर, मैं खुद को खुद भी नहीं पकड़ सकती, मीन्स कि मैं खुद में बहुत बिजी रहती हूँ। अकबीर है माशाल्लाह, इन सब चीज़ों में मेरा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी में इंटरेस्ट लूँ या कुछ भी, कोई मुझ में ले तो बेहतर है। बात है आप में तो लेते ही होंगे लोग। हाँ ये तो है, किसी ना किसी की लाइफ में तो कोई ना कोई तो होता ही है, लेकिन जब किसी की असलियत पता चल जाए फिर उसको कहते जाओ। लड़के बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं। ज़्यादातर झूठ क्या होता है? कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन होती बहुत है। तो जो ये कहते कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन होती है ज़्यादा है, तो फिर वो जिसे बोल रहे होते हैं उस लड़की को पता नहीं चलता? उसको नहीं, कुछ को पता चल जाता है, कुछ को नहीं पता चलता है। तो अगर लड़की को पता चल जाए तो फिर क्या असर होता है उनका? उनका उनको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ लड़कियों को कोई फ़र्क नहीं, लड़कों को नहीं फ़र्क पड़ता, कुछ भी हो जाए खैर। हाँ केयरलेस होते हैं, लड़कियों को फ़र्क पड़ता है, लड़कों को फ़र्क नहीं पड़ता, उनके लिए कोई और मिल जाएगी उन्हें। लड़के जो है वो ज़्यादातर क्या झूठ बोलते हैं? फ्लर्ट में वो ऐसे कहते हैं जैसे वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, कि इससे पहले तो किसी से बात ही नहीं किया, किसी को दिल नहीं दिया वगैरह वगैरह। पहले तो हाँ जी ऐसे डायलॉग्स जी, एग्जांपल खड़ा है सामने हमारे दोस्त जी, ये भी ऐसे बोलते हैं, इन्हीं को इन्हीं की तो बात कर रही हूँ मैं। वो यही बोलते हैं कि तुम पहली से मैं ऐसे बात करो वरना तुम्हारे साथ इससे पहले मेरे किसी ऐसी बॉन्डिंग नहीं हुई, बस ये सीन है। लड़के सबसे बड़ा झूठ है लड़कों का यही। आप क्यों बात प्रूव्ड, ये प्रूव्ड भी है, तो क्यों बोलते हैं ऐसे झूठ? घिरने के लिए और किस लिए बोलते हैं? अगर डर नहीं होता बाद में पकड़ा गया तो क्या करेंगे? नहीं नहीं जितने एक्सपीरियंस हो गए होते हैं डर खत्म हो गया होता है, कुछ भी नहीं है। आपको लगता है इन्हें सुधारने का कोई तरीका है? नहीं सही कर रहे हैं, एंजॉय करें लाइफ खत्म करें, लड़कियां भी मजे ही ले रही होती हैं। दोनों ही एक दूसरे को पागल बना, जैसे होंगे वैसे ही मिलेंगे आपको भाई। लड़के जो है ज्यादातर क्या झूठ बोलते हैं? वो लेट आने के 100 झूठ बोलते हैं, के ट्रैफिक में फंस गए थे, अम्मी का काम कर रहे थे, दूध नहीं ला रहे थे, इस तरह के। तो आपको क्या लगता है कि असल में वो क्या कर रहे थे? असल में वो लेट उठते हैं सो के। और कोई नहीं होता, सोने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, लेजी होते, लेजी होते हैं बहुत ज़्यादा। इन्हें सुधारने का कोई तरीका है? नहीं बस खुद कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्या नाम है आपका? अनम। अनम कहाँ से? I'm actually from Canada. I'm just here for vacation for a couple of months. Are you enjoying? Yeah, it's really nice here. Really nice. Good. Okay. Now I have to ask a question. Yeah, for sure. The question is this: ladke jo hai, wo zyada tar kaun sa jhoot bolte hai? That's an interesting question. Yeah. Kaun sa jhoot bolte hai? Zyada tar jhoot kya hota? I think boys lie a lot in general, but the biggest lie that they do that they're like good people inside. Yeah, I think that's probably the biggest lie. If you say it in Urdu for the audience. Ke wo like wo acche insaan hai. You know what I mean? But like they don't have bad qualities. You know what I mean? I don't know how to explain it in Urdu, but like कि उनकी कोई बैड क्वालिटी हेल्प यू, आप ये कहना चाह रही है कि वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं अंदर से, बैड क्वालिटीज बट दे एक्चुअली हैव अ लॉट, यू नो व्हाट आई मीन, पूरे होते हैं, या अंदर से पूरे होते हैं बट दे एक्ट लाइक गुड पीपल बट एक्चुअली अंदर क्वालिटीज इन दे डोंट हैव लाइक अ लॉट ऑफ गुड क्वालिटीज। या दैट्स द गुड वन, दे गेट प्रेज्ड फॉर लाइक बीइंग बेयर मिनिमम इफ यू नो व्हाट आई मीन बाय दैट। या
जिनाद्री नोद्रा लड़के हो जाए होशियार, क्योंकि लड़कियों को पता उनके सारे राज और सारे झूठों से आज उन्होंने पर्दा उठाया कि लड़के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा झूठ बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।